रात के 11 बज रहे हैं। हम इस समय है तलासरी के उस स्टूडियो में जहां पर तमाम कलाकार अभी अभी अपने किरदार निभाकर बाहर निकले हैं। ये सभी कलाकार अब जा रहे हैं रात्रि का भोजन लेने। किस तरह से रही है इनकी अदाकारी और कैसे इनका शेड्यूल व्यस्त है फिल्म और एल्बम की शूटिंग को लेकर, आइए हम तमाम कलाकारों से जानते हैं। राजेश जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, आप भी एक मजे हुए कलाकार हैं, इस टीम के अभिन्न सदस्य हैं। कैसा लगा तलासरी के उस स्टूडियो में शूटिंग करके, जिसे अभी अभी खत्म करके आप आए हैं, जो शॉर्ट मूवी का एक हिस्सा है? मैं आपको सबको जय माता जी बोलना चाहता हूँ सबसे पहले तो। और जो एल्बम आने वाला है वो इतना अच्छा है, जिसकी शूटिंग अभी अभी हम खत्म करके आए हैं। और इस आप पीछे हमारे पीछे देख रहे हो जो ढाबा, वहाँ पे हम अभी खाना खाना है। अभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। पिछले जो नवरात्रि के अंदर जो माता जी का जय जयकारा का जो एल्बम आने वाला है, उनकी 17 तारीख को उनकी रिलीजिंग है। और हमको बहुत ही जल्दी शूटिंग को, पिक्चराइजेशन को ख़त्म करना है। और हम इसकी मेहनत में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। हमारे सामने देख रहे हैं हमारी टीम कितनी सारी है यहाँ पे, और हम सब मेहनत कर रहे हैं और यही हमारा है। राजू जी, जो अभी शूटिंग समाप्त करके आप लोग आए हैं, किस तरह से लग रहा है कि उसके क्या पिक्चराइजेशन है शॉर्ट मूवी, जिसमें उमेश एक नायक के रूप में नजर आ रहे हैं, जो कंधे पर गिटार लेकर बजाते रहे, गम में डूबे हुए हैं, किस तरह का है यह एल्बम, किस तरह से है यह शॉर्ट मूवी? बहुत ही सुंदर है और बहुत ही निखार लाएगा एल्बम ये चीज़, और ये मूवी भी, जिसके गाने लिखे हैं संतोष पांडे जी, उनका कलम चलती है। तो आपको क्या बताऊं, एक एक चीज़ उसमें दर्शाया गया है, एक एक चीज़ आपको मिलेगा। और आप खूब सुनिए और खूब प्यार दीजिए मूवी को। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे संजीव जी? मुझे तो सबसे अच्छा लगता है जो आपकी जो लिखावट होती है संतोष पांडे जी का, और खास करके जो आपकी एक एक वर्डिंग होती है, जो आपका जो एक एक शब्द लेते हो आप, बहुत ही अच्छा है। जो एक सिंगर के लिए जो सबसे बड़ी बात है उस लेवल तक गाना, जो मैं एज ए सिंगर बोल रहा हूँ, जो वो गाना और मैं उस पिक्चराइजेशन में यदि मैं उसका हिस्सा हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है। जय माता दी। और जो हमारे संगीतकार हैं जो रविकांत सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक दिया उन्होंने और बहुत ही अच्छा। US जो हमारा स्टूडियो है उनका भी तो बहुत बड़ा रोल है, और उनका जो आ रहा है अभी शॉर्ट मूवी ऐसा बहुत ही अच्छा उन्होंने जो किया है, जब आप देखोगे आँख आपकी खुली की खुली रह जाए। उमेश जी, लगा के कब सीने से रोता हूँ सारी रात, इसके बोल है मैंने सुने अभी, बहुत ही लाजवाब तरीके से फिल्मांकन है कि एक गर्लफ्रेंड जो तुम्हें बहुत चाहती थी, हालांकि वो पैसे वाली थी, आप गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, उसने पैसे को अहमियत दिया और आपको दगा देकर किसी दूसरे का हाथ पकड़ कर चल दिया। ये बहुत ही अच्छा है। और जो आपने जो मूवी जो लिखे आज तक, तो आपने सॉन्ग लिखते थे लेकिन मूवी भी लिखे, इतने लाजवाब, इतने अच्छे, गरीब पे है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसमें काम करके भी। और जो उसके एक एक शब्द हैं आप लोगों के सामने आएगा तो सबके रोटे खड़े हो जाएंगे, इतने अच्छे उसका। लोग जिस हिसाब से फिल्म को क्लियर करते हैं उस हिसाब से हम बैकग्राउंड में कपड़ा क्लियर करते हैं। और जो हमारे एक्टर होते हैं जो अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अपना म्यूजिक का क्रिएशन करते हैं, और जो म्यूजिक बनाने को माहिर हो, माहिर जो पति हैं उनके देन है, मैं थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, कर लेता हूँ। और जो आपका गाना कितने बेकरार होके उनसे मिले, बड़े बड़े गाने हैं, संजीव जी ने गाया है, राजू रंगीला ने गाया, उमेश जी ने गुड्डू रंगीला ने गाया, टीम है बहुत अच्छी ने, सब ने बहुत अच्छा फरमाइश किया, बहुत अच्छी ने परफॉर्मेंस किया, मुझे बहुत मजा आता है जब गाना लोग गाते हैं तो मुझे बनाने में। गुड्डू जी, आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में, बताएं कैसा लगा आज का दिन शूटिंग? आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ में हमारे टीम का बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छा लगा। माता जी का शूटिंग चल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, और हमारे गुरु जी जो गाना को कंपोजिंग किए हैं, लिख करके दिए हैं, इतना बढ़िया बढ़िया उसमें शब्द डाले हैं कि जो भी सुनेगा तो दिल गदगद हो जाएगा। और हमारे जो है कि म्यूजिक डायरेक्टर रविकांत जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और धन्यवाद इनका करूँगा कि इनके जैसा है तो कंपोजिंग करने वाला, म्यूजिक डायरेक्टर बनाने वाला तो हमारे एरिया में नहीं है। शुक्रिया। तो तलासरी का यह हुआ नजारा है जहाँ पर तमाम फिल्म के कलाकार इकट्ठा हुए हैं। ये कलाकार अभी अभी अपने फिल्मी शेड्यूल को खत्म करके रात्रि का भोजन लेने के लिए देख सकते हैं कि होटल रामदेव ढाबा जो काफी फेमस है वहां पर आए हैं। ये कलाकार अभी 17 तारीख तक तलासरी के उस स्टूडियो में नजर आएंगे जहां पर कभी
जय वीर हनुमान, रानी लक्ष्मीबाई, जय सोमनाथ दादा, रामायण और महाभारत जैसे सीरियलों की शूटिंग हुई है। वहीं पर इनके तमाम एल्बम, शॉर्ट मूवी और पिक्चर जो कि आने वाले समय में रिलीज होगी, कोरोना काल अभी बिल्कुल लगभग खात्मे की कगार पर है। हर कोई ऊब चुका है कि 7 महीने का यह भीषण काल कैसे उनके हाथ से गुजर जाए और एक नया दौर उनके हाथ लगे। उसी दौर को देखते हुए तमाम कलाकार रात दिन एक करके ऐसे लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोरोना काल से उब कर नए जीवन जीने की एक ललक अपने जेहल में पाल रखे हैं। इस ललक को आप तक पहुंचाने के लिए हम अपने सहयोगी डॉक्टर राजेश वाडेकर, जो कि यूटी मिरर महाराष्ट्र और गुजरात के हेड हैं, उनके साथ पल पल की खबर पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। रात के 11 बज रहे हैं, इसके बावजूद भी हम इन फिल्मी कलाकारों के साथ डटे हैं, जमे हैं आपको ताजा तरीन खबरों को पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन सैयद के साथ संतोष पांडे, यूटी मिरर, तलासरी, महाराष्ट्र।